सहरसा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब दिन दहाड़े बीच बाजार में गोलीबारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला सदर थाना क्षेत्र के एसपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी कचहरी रोड की है, जहां अपराधियों ने एक मुर्गा दुकानदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि मुर्गा दुकानदार बाल बाल बच गया। अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली मुर्गा दुकानदार के हथेली में लगी है। पीड़ित मुर्गा दुकानदार का नाम 25 वर्षीय मोहम्मद जफर है, जो केएसपी ऑफिस के कुछ दूरी पर कचहरी रोड में मुर्गे की दुकान चलाता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुछ बदमाश दुकानदार से मुर्गा खरीदने आए थे। मुर्गा दुकानदार ने मुर्गा की कीमत 150 रुपये किलो बताया, जिस पर बदमाशों ने कहा कि 130 रुपये किलो देना है, तो दो दुकानदार के मना करने पर बदमाशों ने हथियार निकालकर गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान दुकानदार पर दो गोलियां चलाई गई। इस दौरान दुकानदार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कौन गोली चलाया है और क्या कह रहा था, क्या मांग था? उन लोगों का मांग था जो क्या कहता है, हमको मुर्गा दो, आप पैसे भी दो, नहीं दोगे तो हम तुम लोग को बहुत मार मारेंगे। उसी पे क्या कहता जो बच्चा लोग से तुतु में किया जा बस चढ़ा, क्या कहता जो हाथ आ भाई वह मारने लगा। अंधुन दो राउंड गोली चला, हमारे बचवा को गोली लगा, जफर को हाथ में लगा। कौन था मारने वाला? मारने वाला अमित था, अनिल था, प्रिंस था, शाहपुर का रहने वाला है। हाँ, फ्री में मुर्गा मांग रहा था। आपके लड़के का क्या नाम? जफर नाम है, मोहम्मद जफर। बगल में एसपी ऑफिस है, दिन दहाड़े गोली चला, दिन दहाड़े गोली चला कर चल, मतलब लग रहा है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था का क्या कहता है, ये तो आप कानून व्यवस्था ही जाने, पुलिस वाला ही जाने क्या कहता है, इस तरह से छूट क्यों दिए हुआ है इन लोगों को। जी खोखा भी मिला, प्रशासन यहाँ से ले गए हैं खोखा उठा के। लगभग मैं 25-26 साल होगा। मोहम्मद जफर, मोहम्मद सलाहुद्दीन।